सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए कैरम रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों यार, आज है कमाल का दिन। आज मैं हूँ प्रशांत मोरे के साथ में, जो पूरी दुनिया भर में अभी फिलहाल टॉप में है, वर्ल्ड चैम्पियन है, भारत के नंबर वन खिलाड़ी है और इस पूरी दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी है। ऐसे शख्स आज मेरे साथ हमारे चैनल पर बैठे हैं, तो आज मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। हालाँकि ये पिछली बार जब वर्ल्ड चैम्पियन फर्स्ट टाइम हुए थे तभी भी हमारे चैनल पर आए थे और हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था साथ में और बहुत मज़ा भी किया था और अभी भी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग एक्चुअली काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। और ऐसे में आज मैं इनसे थोड़ी सी ज़रा अंदर की बातें करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनके बारे में काफ़ी सारी बातें की थी और आप लोगों को भी शायद पता होगी कुछ बातें। तो यार, अभी इनका क्या रिएक्शन है उन चीज़ों के ऊपर, ये क्या इनका मानना है और कैसे इन चीज़ों को उन्होंने फेस किया और उसके बाद में कितनी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने कर ली, और जो लोग इनका इन पर मतलब सवाल उठाते थे अब वही लोग इनकी तारीफ में बोलते बोलते नहीं थकते, और ये बात मैंने आंखों से देखी है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियन है उनसे, प्रशांत मोरे जी। आप आए उसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सच बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मतलब इनका इंटरव्यू लेते हुए, इनसे बातें करते हुए। प्रशांत भाई, मैं सबसे पहले तो आपको पूछना चाहता हूँ कि जब आपने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी तब आपने स्टेट का भी टाइटल नहीं जीता था, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट आपने कभी नहीं जीती थी, नेशनल का भी खिताब आपने हासिल नहीं किया था और डायरेक्टली आप वर्ल्ड चैम्पियन तक पहुंच गए। मतलब यार, वो तो समझ में आता है कि ठीक है हम लोग सिलेक्ट हुए थे, आप बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपने ये सारे किताब को लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, आप डायरेक्टली वर्ल्ड चैम्पियन बन गए, मतलब कैसे कर लिया भाई आपने ऐसा? सच बोलूँ तो कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि अब मुझे वर्ल्ड चैम्पियन होना है या तो फिर कोई नेशनल जीतना है। बस मैं मेरे काफ़ी साल से इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहा था, तो काफ़ी साल हो गए मैं कैरम में, 15-17 साल हो गए मैं कैरम फील्ड में खेल रहा हूँ। तो वो करते करते मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं एक बार अपने भारत देश के लिए खेलूँ, तो वो सपना पूरा करना था मुझे करके मैं काफ़ी मेहनत कर रहा था। और मेहनत करते करते हर एक खिलाड़ी का एक वक्त आता है, तो उसी तरह एक वक्त मुझे भी मिला था इंडिया के लिए खेलने का। तो वो जब मैं सिलेक्ट हुआ उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की थी, तो वो मेहनत का फल जो था वहाँ तक मैं पहुँचा था, फाइनल तक का। फिर उसके बाद भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में आज इंडिया के लिए खेल रहा हूँ और वर्ल्ड के 1 और 2 के रैंक में फाइनली आ गया हूँ मैं, तो वो हो गया गलती से, कोशिश कर रहा था। अरे इसको अगर गलती से मिस्टेक बोलोगे तो भाई हम लोग सब लोग यार ये गलती करना चाहते हैं, आप लोग करना चाहते हो कि नहीं कमेंट में लिख के बताओ। और ऐसी गलती तो हम लोग सपने में देखते हैं यार, ऐसी गलती हमसे कैसे होगी। अब वो तो ठीक है, चलो मतलब यार ये बात तो सही है कि आपने वर्ल्ड कप जीता था और फर्स्ट टाइम आपने नेशनल चैम्पियन भी नहीं हुए, स्टेट चैम्पियन भी नहीं हुए और आपने वर्ल्ड का टाइटल मारा। लेकिन ऐसे में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, जिन्होंने आप पे सवाल उठाए और आपको बोला है कि यार भाई ये बंदे को वर्ल्ड कप लकीली मिल गया। नहीं, लकीली वर्ल्ड कप मिला ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए भी काफ़ी सारी मेहनत लगती है और लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों का काम ही है बोलना, लोगों के बारे में हम सोचेंगे कि लोग क्या बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना है, लोगों का काम है सोचना। सो हमने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ एक ही सोचा था कि ऐसे ही खेलते रहना है और ना ही कभी दिमाग में लाया था कि लोग कह रहे हैं कि लकीली जीता तो मुझे अब प्रूव करना है, मुझे अभी नेशनल जीतना है, मुझे अब स्टेट जीतना है, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था। लोगों को उनका काम करना है, मुझे मेरा काम करना है, पर एक ही दिमाग में है कि आखिरी दम तक कैरम खेलना है बस। यार मतलब मैं अगर बोलूँ ना तो मैं ऐसे लोगों को तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, किसी ने ये नहीं देखा कि यार
आप इंडिया खेल रहे हो, इंडिया खेलने का मतलब होता है कि आपको नेशनल स्टेट नेशनल ये सब में जौहर दिखाने पड़ते हैं, और मतलब आप टीम में आए, सेमीफाइनल आप खेले थे, और उसके लिए नेशनल में आप चार की अगर चार में आ रहे हो तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं एज अ प्लेयर, मुझे मालूम है। और आप बोल रहे हो कि आपका माइंडसेट ऐसा नहीं था, तो मैं तो आपको बिल्कुल मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद में महाराष्ट्र स्टेट जब एक बार भी नहीं जीते थे, उसके बाद में अब ये पांच बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं, अभी इन्होंने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया, तो यार मतलब कमाल की बात है। और हर किसी का सपना होता है सीनियर नेशनल जीतना, क्योंकि पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हार्ड टूर्नामेंट है महाराष्ट्र सॉरी इंडियन नेशनल चैंपियनशिप, और ऐसे में जो महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप है जो ये पांच बार जीत चुके हैं, वो आप बोल सकते हो अपने आप में एक छोटा नेशनल है, उसको पांच पांच बार जीतना मतलब कमाल की बात है। और ऐसे में और दूसरी बार भी इन्होंने वर्ल्ड कप मार दिया, मतलब यार क्या कर क्या रहे थे यार, थोड़ा आराम आराम से जवाब देते। नहीं बट ऐसा कोई जवाब देना ये मेरे दिमाग में नहीं था, हो जाता है गलती से, सेकंड वर्ल्ड कप भी लोग जो कह रहे थे, तो मैं तो कहूँगा कि लोग जितना हमारे बारे में बातें करेंगे, भले वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, जितना भी लोग हमारी बातें करेंगे उतना हम सक्सेस के नज़दीक जाते रहते, तो मैं यही समझता हूँ कि जितना मेरे जो बातें कर रहे थे वो मेरे वेल विशर्स थे, उसी की वजह से मुझे ये सब सक्सेस मिला है, सेकेंड वर्ल्ड कप भी मिला, और उसके बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ जो शिव छत्रपति अवार्ड होता है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का अवार्ड है, वो भी मुझे मिला है। तो ये सब मैं चाहूँगा कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनकी वेल विशेज़ की वजह से ही ये सब मुझे मिला है। भाई यार आपका नेशनल वाला मैच देखा था सेमीफाइनल ज़हीर पाशा के साथ में, हमारा सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था वहाँ पे, नेशनल का सेमीफाइनल फर्स्ट सेट, आप प्रीवियस नेशनल चैम्पियन थे ज़हीर पाशा, प्रेशर तो होगा ही क्योंकि बहुत फॉर्म में खेल रहे थे, और आप फर्स्ट सेट आपके फेवर में नहीं रहा था, सेकंड सेट में ऑलमोस्ट हमारा सफ़र वहाँ पे ख़त्म होने वाला था, उन्होंने क्वीन काफ़ी अच्छी कट मारी थी लंबी, जिस पे हो सकता था कि आपको चांस मिले, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी कट मारी थी, और उन्होंने एकदम इजी स्लिप इस उनकी पॉकेट पे जाके रुक गई, और फिर आपको मिल गया एक चांस, और आपने मतलब यार कमाल का स्ट्रोक मारा था। मैं मैं तो बोलूंगा हिस्ट्री बन गया वो स्ट्रोक, काफी लोगों के दिलों में घर कर गया होगा वो स्ट्रोक जो आपने मारा था, और बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की भी होगी उस स्ट्रोक की, और उस टाइम पे यार मतलब नेशनल का सेमीफाइनल मैच है, इतना बड़ा हमारा दुनिया का मतलब हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है नेशनल मारना है हमें, और ऐसे टाइम पे हम इतने क्लोज आए हैं और सेमीफाइनल चल रहा है, और सामने वाली दिप्पी जाके पॉकेट पे रुक रही है, और अब रुक गई और अब मुझे चांस मिल रहा है, अब मेरे को कुछ तो करना है। उस टाइम पे क्या आया था यार दिमाग में, और आया तो था ऐसा इतना डेंजरस स्ट्रोक आपने अटेम्प्ट किया था उस टाइम पे? सच बोलूं तो पूरे जब नेशनल में जो उनकी कॉइन मिस हुई ज़हीर पाशा के, जो मेरे मुझे खुद को वो प्लेयर पसंद है, और पूरे नेशनल में उन्होंने जो कॉइन उनकी मिस हुई, जो रुकी पूरे नेशनल में उन्होंने वो मिस कॉइन नहीं की थी, और वो कॉइन उनकी मिस होगी मैंने खुद में कभी बिलीव नहीं किया था कि वो कॉइन उनकी मिस होगी, और जब वो क्वीन उन्होंने पॉकेट की कट, जिस पे मुझे लगा था कि उस पे एक टर्न मिल सकता है, जिसको मैंने डिफेंस किया था, जब वो क्वीन जाने के बाद लिटरली मैं बोलूँ तो मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खसक गई थी कि फिर एक बार मेरा सपना इस साल पूरा नहीं होगा करके, तो क्वीन जाने के बाद मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि वो मिस हो गया, और वो मिस होने के बाद जो मैंने स्ट्रोक किया था, जो आप बोल रहे कि काफ़ी लोगों के दिल में घर कर गया होगा वो शॉट, हिस्ट्री बन गया होगा वो, हाँ, तो वो जो शॉट मैंने अटेम्प्ट किया था वो मैं काफ़ी उसको वक्त देता हूँ, उस शॉट को काफ़ी टाइम उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, जब हम कैरम खेल के थोड़ा बहुत बोर होते हैं, जब कुछ लगता है कि कुछ अभी एग्जीबिशन शॉट्स खेलेंगे वो, तो उस वक्त मैं दोनों साइड के ऐसे कुछ शॉट्स अटेम्प्ट करता हूँ, जिसको हम एक शॉट के नाम पे जस्टिन जो बोला जाता है, जस्टिन शॉट, उसी तरीके का ये शॉट है, और इस शॉट में
पूरे कैरम के चारों फ्रेम को अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वही उसमें शॉट है। और वो शॉट गया वो ठीक है, और एक इमेजिन करेंगे कि हम वो शॉट नहीं गए, तो नहीं जाने के बाद भी वो काफ़ी सेफ टर्न है। इमेजिन करेंगे कि वो कॉइन नहीं गई, बट क्वीन तो हाथ पे अपने रोल करके हाथ पे आई है, जिन्हें जैसे कि उसको वो डिफेंस हो गई है और ये भी रिलीज हो गई। गई तो वेल एंड गुड, ये गई तो और दिखने में भी खूबसूरत लगता है कि लिटरली वो एग्जीबिशन जैसा शॉट है, और उस वक्त पे वो मारने के लिए मैं बोलूँगा जिसकी इस शॉट की प्रैक्टिस हो वही वो इस वक्त अटेम्प्ट कर सकता है, और वो मैंने किया। और मैं बोलूँगा कि नहीं मैंने वो शॉट को मारा, बस हम कोशिश करते हैं, जाना नहीं जाना वो सब उसके ऊपर वाले के हाथ में होता है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना उसको सक्सेस मिलेगा। आपने वो स्ट्रोक, मैंने भी काफ़ी बार शुरुआत में कोशिश की थी वो वही स्ट्रोक मारने की, लेकिन हमारे जो आपने बोला सेफ स्ट्रोक है, लेकिन हमारी जो क्वीन है सेंटर में से वो इधर नहीं आ रही थी भाई, वो पॉकेट की तरफ या बीच में गई रुक जा रही थी, लेकिन आपकी उस टाइम पे रोल होके परफेक्ट सेंटर में आकर रुकी थी और ये कॉइन परफेक्ट पॉकेट में गई थी, और वो भी नेशनल सेमीफाइनल मैच था वो, और ऐसे में वही स्ट्रोक था जिसको मुझे तो लगता है वही स्ट्रोक और वही जैसे फाइनल का मैच था वो जिससे आपने मतलब नेशनल का टाइटल आपको मिल गया और फर्स्ट टाइम आप नेशनल चैंपियन भी बन गए। नहीं जैसे वो तो नेशनल का टाइटल वाला शॉट नहीं था, मैं कहूँगा कि वो तो जस्ट मैं एलिजिबल हुआ था फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक के लिए, वो तो सेमीफाइनल था, और उसके सेमीफाइनल के वक्त भी वो सेकंड गेम था जस्ट, जैसे कि फर्स्ट गेम में लॉस था, सेकंड गेम में खेलते वक्त का वो बोर्ड में जीता करके वो सेकंड गेम जीता, उसके बाद भी थर्ड गेम पेंडिंग था, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि वो नेशनल जीतने वाला शॉट था। तो उसके बाद जो थर्ड गेम के लिए हमने जस्ट 2 मिनट का रेस्ट लिया था, जैसे कि प्रेशर को रिलीज़ करना है, पानी पीना है, जो भी है, तो 2 मिनट के रेस्ट के बाद फिर दिमाग में मेरे आया कि नहीं अब जितना भी कैरम आता है मुझे, इतने सालों में जितना भी मैंने कैरम सीखा है, जो वो अभी थर्ड गेम में मुझे रियलाइज़ करना है कि पूरे थर्ड गेम में जितना भी कैरम आ रहा है वो पूरा एक दिन में या वो 1 घंटे में मुझे खेलना है थर्ड गेम में, तो मैंने वही कोशिश की। और सबकी विशेष की वजह से, सबके जो मेरे जितने भी गुड विशेष है तो उनकी वजह से मुझे वो थर्ड गेम भी जीतने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग भी हुआ उस वक्त। मतलब मैं खुद से नहीं कहूँगा कि मुझे पता भी नहीं था कि वो एक्चुअल में हुआ या नहीं उस वक्त, जैसे कि आपको अपने शायद देखा होगा थर्ड गेम, तो सेकंड लास्ट बोर्ड में उनको लिटरली वो वाइट स्लैम जैसा ही सिचुएशन था उनका, तो उनको वाइट स्लैम मिस हो गया, उसके बाद भी मेरे से भी 1 टन मिस हुआ, उसके बाद 9 की 9 कॉइन मेरी ब्लैक ऊपर थी, तो वो 9 की 9 कॉइन मैंने जब टर्न मुझे सेकंड टाइम टर्न मिला तो उसके बाद कंटिन्यू 9 कॉइन पॉकेट हुई, तो वो 9 कॉइन है। उसके बाद लास्ट ब्रेक मेरा था, मैंने जब ब्रेक किया उसके बाद वो वाइट स्लैम हुआ, जैसे कि वाइट स्लैम होने के बाद पहले ब्लैक की 9 कॉइन पॉकेट हुई, फिर वाइट की 9 कॉइन पॉकेट हुई और क्वीन, तो टोटल ऐसी 19 कॉइन एट अ टाइम एक ही कंटिन्यूस टर्न में पॉकेट हुआ था, वो मुझे पता भी नहीं था कि उसके बाद जब उनका वाइट स्लैम मिस हुआ सेकंड टर्न आया उनके पास, फिर टर्न ही नहीं आया ज़हीर पाशा के पास में, तो एट अ टाइम 19 कॉइन पॉकेट होके वो मैंने थर्ड गेम जीता। तो मैंने जो सोचा था कि जितना भी मुझे कैरम आता है मुझे 1 घंटे में खेलना है, तो वो मैंने कोशिश की और वो मुझे फाइनली वो थर्ड गेम जीतने का मौका मिला। फिर उसके बाद थर्ड फाइनल में आने के बाद इरशाद अहमद, वो भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने बीट करके आए थे, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैंने अब ज़हीर पाशा को जीत लिया है तो मैं अभी इरशाद अहमद को भी जीत लूँगा, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। अब तो मैंने सोचा कि ज़हीर पाशा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मुझे अब फाइनल में खेलना है, तो उसने फाइनल आने के बाद भी मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की और फाइनली बहुत अच्छा एक इरशाद अहमद से, जो नागपुर के रहने वाले प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान भी है, और उन्होंने एक क्रूशल मोमेंट पर उनकी मिस्टेक हो गई, उनको जब एक सेफ टर्न का मौका आया था, जैसे कि उनको गेम सेफ करना तो उन्होंने नहीं किया और एक उन्होंने बड़ा शॉट अटेम्प्ट किया, वो अनसक्सेस हो गया और उसके बाद मुझे मौका मिला, तो वो जब लास्ट कॉइन में मार रहा था तब मुझे पता चला कि फाइनली माय ड्रीम वाज मतलब कंप्लीट हो रहा है करके, मेरा सपना पूरा हो रहा है करके, और लास्ट कॉइन मारते वक्त का मुझे फील हुआ और मेरे मॉम डैड का मुझे फेस सामने आया और वो टाइटल जब मुझे मिला बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मतलब आप बातें कह रहे हो वो ब्रेक टू फिनिश के बारे में मैं आपको पूछने ही वाला था,
कि अभी मेरा जो मतलब मैं चाहता था कि मैं इसके बाद ये क्वेश्चन पूछूं जो आपने बोल दिया उस मतलब आपने जो बातें कही कि ऐसा नहीं है कि मैंने प्रीवियस नेशनल चैंपियनशिप चैंपियन को जीता है या उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया मैंने, ब्रेक टू मेरा लगा, ब्लैक टू के जैसा एक फिनिश मेरा लगा, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम पर वो बिल्कुल परफेक्ट था। और ऐसे में मतलब यार आपने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि किसी भी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो 9 to 5 जॉब करता है, 10 to 7 जॉब करता है, वो आता है 2 घंटा कैरम खेलता है, उसको पसंद है, देखता है अच्छे प्लेयर को, उसके लिए तो ये बेसिकली पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि यार कुछ ऐसा शेड्यूल है, कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे, कुछ एक्सरसाइजेस होंगी, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे या मेडिटेशंस आप करते होंगे, ऐसा कुछ तो आप करते होंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है, उसने करना चाहिए। अगर आप इस तरह करोगे तो भाई आप ये सारा सब कुछ हासिल कर लोगे, या एक एक रास्ता है जिस पर आप चलो तो शायद आप भी ये हासिल कर सकते हो। और आप उतना अगर आपको आपकी तरह आपके जैसा खेलना है तो शायद अगर ये रास्ते पे आप चल चल गए तो शायद वो रास्ता वो समय पता करना है कि हाँ ये रास्ता है और इस पर अगर आप चलोगे तो आपके लिए भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं सच बोलूँ तो कोई ऐसा पर्टिकुलर डाइट नहीं कर रहा हूँ जैसे कि मुझे फैट लॉस वाले ही चीज़ें खाना है, जिससे कि सुबह उठने के बाद मुझे 1 घंटा जिम करना है, फिर उसके बाद मुझे मेडिटेशन करना है, फिर उसके बाद फिर डाइट फॉलो करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। बस मेरा एक सिंपल एंड स्वीट लॉजिक है कि जितने राउंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमको नेशनल जीतने के लिए 7 राउंड ब्रेक करने होते, तो मैं समझूंगा कि कम से कम हमको 8 8 घंटे खेलेंगे तो हम 8 राउंड जीतेंगे। तो ये मेरा बेसिक लॉजिक है कि 8 घंटे खेलने के बाद ही हम 8 राउंड जीत सकते हैं। हम 3 घंटे खेलेंगे तो हम 3 ही राउंड जीतेंगे, ऐसा मेरा मेरा दिमाग में है, ऐसे कि ऐसा ही लॉजिक है करके। और मतलब डाइट के बारे में बोलूँगा तो ऐसा पर्टिकुलर कोई डाइट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों झूठ बोलूँ। तो सिर्फ मैं डाइट के बारे में नहीं कहूँगा, बस एक्सरसाइज के बारे में कहूँगा कि हमको दिन में कम से कम एक बार 30 to 45 मिनट्स हमको वॉक करना है, जिससे हमारी विल पावर बढ़ती है, जिससे हमको स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि हम कोई भी सिचुएशन में सामने वाले की 1 कॉइन है, हमारी 9 कॉइन है, उस वक्त हमको विल पावर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हमको विल पावर बढ़ाने के लिए उसने हमको दिमाग में ये लाना है कि उसने 8 कॉइन मारी, मैं अब 9 मार के दिखाऊंगा। ये जब अंदर से जब तक आवाज़ नहीं होती है तब तक हम वो फिनिश नहीं कर सकते। तो ये खेलते वक्त का ये जो गुस्सा पैदा होता है वो कब होगा, जब हमारी प्रैक्टिस होगी, जब हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, विल पावर हमारे स्ट्रांग रहेगी। कैरम ये ऐसा खेल है कि सबसे मेन तो विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी लास्ट की कॉइन है, कट मार रहे हो, तो उस वक्त कट मारते वक्त आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि ये तो मैं मारूंगा, और अंदर से एक बार फील हुआ कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कहाँ मुझे जाने वाले, तो वो आप जो सोचोगे वही होगा। उसको इमेजिन करना है कि वो कट जा रही है, उसको दिमाग में लाना है कि वो जाते वक्त आपको दिखनी चाहिए कट, वो जब आपको दिखेगी जाते वक्त जो आप सोचोगे वही होगा। तो वो विल पावर बढ़ाने के लिए आपको मैंने कहा जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि वॉक हो गया ट्रेडमिल पे, या तो फिर साइकिलिंग हो गया, क्योंकि हम वेट नहीं उठा सकते, क्योंकि हम कैरम प्लेयर हैं, वेट उठाएंगे तो हाथ में थोड़ी बहुत पावर हो जाएगी, या तो फिर ग्रिप ग्रिप रिलीज के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जितना हो सके वेट नहीं उठाना है, और नॉर्मली बॉडी को दिन में एक बार एक्सरसाइज करके हीट करके उसको ऑटोमेटिकली कूल होना देना है। और मैं कहूँगा कि कैरम खेलते वक्त स्पेशली जितना हो सके ज़्यादा पानी पीना है, उससे हमारा काफ़ी प्रेशर रिलीज होता है। मैं काफ़ी आपके मैचेस देखी है, लेकिन यार वहाँ पे जगह ही नहीं होती मैच देखने को। बहुत बार ऐसा होता है कि खड़े रहने को जगह नहीं होती। हम लोग जब खेल रहे हैं ना वहाँ पे तो कोई नहीं आता है, हम लोग भी प्लेयर ही है, कोई मैच देखने को नहीं होता है। होते हुए तो बहुत 2 3 लोग ऐसे जो वहाँ पे नॉर्मली खड़े होते हैं वो लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी आपकी मैच अनाउंस हो रही है तो फॉर एग्जाम्पल प्रशांत मोरे मैच इज फिक्स्ड ऑन वुड नंबर 10 एग्जाम्पल, वहाँ पे पहले ही लोग भीड़ लगा के बैठे हैं यार, मतलब पूरा घेर के खड़े कैरम बोर्ड को। तो यार आपके फैंस तो मतलब कमाल के, दूर दूर से आते हैं मैसेज देखने के लिए। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो प्रशांत भाई? सबसे पहले तो मैं जो आप फैंस बोल रहे हो वो फैंस नहीं, वो मेरे भाई मेरे दोस्त जो मेरे कैरम लवर्स हैं, उनको मैं जब मेरे मैच अनाउंस होते, जैसे अभी अशरफ जी ने कहा कि मैच अनाउंस होने के बाद काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई रहती है, तो
सच बोलूँ तो उन सब के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उनको बोलने के लिए, उनका वो प्यार, उनका हर चीज़। वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उस वक्त मुझे जो अपनापन जो देते हैं, तो सच बता रहा उसके लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। तो और जब भी मेरे मैच अनाउंस होती है, काफ़ी लोग वहाँ पर वो बोर्ड की तरफ पूरे जमा हो जाते हैं। जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बोर्ड के पास जमा होने के बाद उनके पीछे से जब मैं जाके मुझे अंदर जाके बैठना होता है, उस वक्त कभी कभी जगह भी नहीं होती, तो उनको पता ही नहीं होता कि जो खेलने वाला बंदा वो पीछे उसको जाने के लिए जगह नहीं, तो उनको बता के साइड में करके, तो तभी सच में बिलीव नहीं होता कि यार सच में कि यार मेरे लिए लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मेरा गेम को देखने के लोग इतने एक्साइट है। तो इनका ऐसा प्यार देख के मैं सभी मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे कैरम लवर्स को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जो भी जितने भी दूर दूर से लोग आते हैं, जो जितने दूर से आने के बाद उनको मैं जितना हो सके उतना खुश करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे पास में गेम है वो उनको बताने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा ही मुझे आप प्यार करते रहो, आपका अपनापन देते रहो, मैं मेरे दिल से पूरे दिल से अंदर से अब मैं खुश करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा सपना था वो जो ट्रॉफीज़ हो गई बोलो, जो वर्ल्ड कप हो गया, जो भी मुझे अवार्ड्स मिले, जो टाइटल मिला है, वो एक तरफ हो गया, वो है, वो उसकी खुशी तो मेरे दिल में काफ़ी है। और एक तरफ जो आपकी तरफ से मुझे जो प्यार मिलता है, वो जो ट्रॉफीज़ वगैरह है, वो एक बार जो मैंने घर पे रख दी, तो घर पे रखने के उसको मैं कभी साथ में लेके नहीं निकलता, पर आप लोगों का प्यार बाहर मिलने के बाद जो उस ट्रॉफी तो घर में रहती है, जो आपका प्यार बाहर मुझे मिलता है, लोग मतलब जैसे कि आप कुछ भाई हो, जैसे कोई बच्चा हो छोटा, वो जाते वक्त मैंने अभी फेडरेशन का किस्सा आपको बता रहा हूँ, बता रही ये तो प्रशांत मौर्य सर है, वो प्रशांत मौर्य सर है, ये वाकई में इतनी अलग खुशी है ना दोस्तों कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता हूँ। तो सच में बोल रहा हूँ कि मेरा एक मतलब सपना था कि वर्ल्ड चैम्पियन होना है, बट ये जब उसके बाद का जो आप लोगों से मुझे प्यार मिला है, ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहो, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको खुश करने की, आपको मतलब मेरा पूरा प्यार देने की। और मैं भी एक मतलब एक सादा मतलब सिंपल सा मतलब ऐसा लड़का हूँ, जैसे मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जब कोई भी आके मेरे साथ में मुझे आपके साथ फ़ोटो निकालना है, कभी सोचा भी नहीं था। पर कभी कभी अपने आप को सोते वक्त का बोलो, या तो फिर कभी अकेले में बैठा हो तभी आँख बंद करके सोचता हूँ कि यार वाकई में मेरे साथ में मैं ही प्रशांत मौर्य हूँ, जो आप लोग मेरे आज मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपके साथ फ़ोटो निकालना है। वो खुशी सच में दोस्तों मैं बोल नहीं सकता हूँ, आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, वो अलग ही फील है। और दिल से आपको सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और लव यू ऑल फैंस, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत भाई, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत ली, स्टेट चैम्पियनशिप भी आपने जीत ली, नेशनल चैम्पियन आप बन गए, वर्ल्ड चैम्पियन आप बन गए, तो मेरे हिसाब में तो आप ऐसा कोई टाइटल बचा नहीं जो आपने हासिल नहीं किया है कैरम की फील्ड में, लेकिन ऐसी कौन सी जगह बची है आपको लगता है कि आपकी कैरम के गेम में जो अभी भी आपको सीखना है या अभी भी आपको इम्प्रूव करना बाकी है? कैरम में तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, जितना सीखोगे उतना कम है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी शॉट्स है, जो हर कोई प्लेयर खेल रहा है उससे कुछ अलग तरीके का गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक कोई चैम्पियन है तो उसने चैम्पियन बंदे ने चैम्पियन जैसा खेलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो मैं हर वक्त जीतने के लिए जो गेम खेलते वही खेलता हूँ। तो बट मेरे दिल से मुझे लग रहा है कि बाकियों से जो अदर प्लेयर्स के मुकाबले में मैं थोड़ा अलग तरीके का गेम खेलने की कोशिश करूँ, तो वो मैं कोशिश करते रहता हूँ और ऐसे ही गेम में इम्प्रूव करने की और कोशिश करूँगा। और आपका वो एक रोलिंग स्ट्रोक है जो आप फ्रेम का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे मे भी आपके और फ्यूचर में और कुछ स्ट्रोक्स आप सोच रहे होंगे खेलने के लिए? ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रोक्स है, बट क्या उसकी प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है और दिल से अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये आप मैं मारूँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रोक्स हैं जो अभी ये जो स्ट्रोक जो उन्होंने बताया कि रोल करके मारना, फ्रेम का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा करते हो, ये काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, बट जब तक ऊपर के लेवल पे ये सक्सेस नहीं होता तब तक इसको
ये स्पार्क नहीं होता है, जैसे कि लोगों तक पहुंचता नहीं है। जब जैसे अभी ये रोलिंग शॉट है, मैं काफ़ी सालों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जब ये क्रूशियल मोमेंट पे जब उसका इस्तेमाल हो तब लोगों को पता चला कि ये हाँ ये ऐसा शॉट बहुत अच्छा मारता है, बहुत अच्छे से मार रहा है, और ये मैं काफ़ी सालों से मारते आ रहा था बट वो अभी एक्सपोज हुआ है। प्रशांत भाई यार, मेरा भी एक सपना है जो आपके साथ हुआ है, इंडिया की जर्सी पहनना। और जब आपने इंडिया की जर्सी फर्स्ट टाइम पहनी थी तब का, या आपके हाथ में जब मिली थी इंडिया की जर्सी, ये भाई प्रशांत मोदी आपकी जर्सी है इंडिया लोगो वाली, और अभी आप देश को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उस वक्त वो जर्सी को पहने हुए या हाथ में लिए हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या फील हुआ था उस टाइम पे? एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा तो एक जो भाग मिल्खा भाग मूवी है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बेस्ट मूवी है वो मोटिवेशन के लिए। तो उस वक्त में भी एक वो सीन था वैसा कि ब्लेजर का माप लेते हुए उसका जो प्राउड फील था, वो शर्माते वक्त का जो सीन था, वो मैं अपने आप को उसमें महसूस करता था। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसा मौका, ऐसा वक्त मेरे साथ भी एक बार आया था कि मेरा इंडिया का ब्लेज़र बनाने के लिए माप लिया गया, या तो फिर मेरा ड्रेस कोड आया जिस पर इंडिया लिखा हो, जिसमें इंडियन फ्लैग लगा हो, और वो बहुत प्राउड फील था मुझे। और मैं कहूँगा कि हर प्लेयर जो भी फील्ड का हो, जो भी अदर स्पोर्ट्स में हो, उसके साथ ये मौका एक बार लाइफ में आना चाहिए कि वो अपने हिंदुस्तान को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अच्छा प्रशांत भाई, जब भी आपकी बड़ी मैच होती होगी, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल, नेशनल फाइनल है, या बड़ी कोई सेमीफाइनल है जहाँ पे बहुत बड़ा या चैम्पियन प्लेयर है जो पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जिसने किया, ऐसी बड़ी मैच से पहले ना मेंटली आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हो? हमें बहुत सी ऐसे डर सा लगता है या अजीब से ख्याल आते हैं अपने मन में, और एक नर्वसनेस सा फीलिंग होता है, नॉर्मली सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम पे आप अपने आप क्या ऐसी चीज़ें करते हो और कैसे फेस करते हो इस फेस को? एक्चुअली इस टॉपिक पे मतलब हर कोई अलग अलग तरीका यूज़ करता है। जैसे कि एग्जांपल कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई मतलब सोचता है कि कैरम के रिलेटेड कुछ नहीं सोचना है, अलग कुछ सोचते हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ था, मतलब वो कैरम के बारे में सोचेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव जो पर्सन होता है उसके साथ वो कैसा खेल रहा है, वो सब दिल में जितना ख्याल उसके बारे में सोचेंगे तो हमारा मोरल डाउन होगा। सो ऐसे टाइम पे मैं जो करता हूँ वो बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे कि बिफोर मैच एक साइड में आपको बैठना है, बैठ के आँखें बंद करके हमने ज़िंदगी में सब पूरे लाइफ में सबसे अच्छा मैच कब खेला है उसको याद करना है, सबसे अच्छा क्या है, जब मैच खेला है उस टाइम पे मैंने क्या क्या किया था, वो सब सोचना है। और सबसे अच्छा कैरम जितना भी मुझे कैरम आ रहा है उतना आज मुझे खेलना है, जो जैसे कि कुछ मूवी में चक दे इंडिया में जैसे बताया वो 70 मिनट, वैसा ही दिमाग में लाना है और उसको इमेजिन करना है कि मैं बैठा हूँ अपोनेंट के साथ, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, मेरा वाइट स्लैम हो रहा है, मेरा सामने वाले की क्वीन उसको पॉकेट नहीं हो रही है, मुझे जा रही है तो मैं उसको मार रहा हूँ, मेरी पॉकेट हो रही है, कवर को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कवर एकदम अच्छे से रिलीज़ हो रही है, ऐसा उसको इमेजिन करना है। तो उसको ऐसे करते करते अपना ऑटोमेटिकली मॉरल मतलब अच्छे तरीके से अपने को उसका फ़ायदा होगा उस चीज़ का, तो उससे हम ऑटोमेटिकली हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा और दिल में लाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। यस चल भाई, मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो रैपिडली मैं आपको पूछने वाला हूँ, तो आपको भी जितना हो सके उतना शॉर्ट और तेज़ी से इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, तो क्या आप रेडी है? यस। ओके सो लेट्स गो। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है स्पोर्ट्स में? बेस्ट मोटिवेशन वीडियो भाग मिल्खा भाग। बड़ी मैच या कॉम्पिटिशन से पहले रात में आप क्या खाते हैं? लाइटली फुल जो नॉर्मल खाना होता है वो, और ऑयली अवॉइड करता हूँ और चाइनीज अवॉइड करता हूँ। आप अंडर प्रेशर होते हो तो तब क्या करते हो? जब जैसे कि अंडर प्रेशर कब एक लास्ट कॉइन होती है उस टाइम पे ब्रीदिंग होल्ड करके गैप सेट करता हूँ। आपको क्या लगता है एटीट्यूड ज़रूरी है चैंपियन बनने के लिए? हाँ ज़रूरी है एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही जीतने के वक्त एटीट्यूड होना चाहिए, जीतने के लिए मैं खेल रहा, सामने वाले को डर होना चाहिए, इसलिए एटीट्यूड ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना है। अपने आप को किसी एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो वो वर्ड क्या होगा? हॉनेस्ट। आपका फेवरेट कोट क्या है? जिस पेड़ पे फल आते हैं उस पे लोग हमेशा पत्थर मारते हैं। अगर आपको अपना निकनेम चॉइस करना हो तो वो क्या होगा? मेरे फ्रेंड्स मुझे
परशा बुलाते, वो मुझे अच्छा है, पसंद आता है, तो वही परशा। आप सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन सा सुनते हो? सबसे ज़्यादा वही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बातों में क्या। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस तो एक जर्नी है, और जर्नी करते वक्त जो जो प्राइजेस वगैरह, जो ट्रॉफीज़ मिलती है, वो तो बस वो उस वक्त का, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है सक्सेस। सक्सेस तो एक जर्नी है, उसमें खेलते खेलते जो भी मिल रहा है वो सक्सेस है, उसी को सक्सेस कहेंगे, और जो हम चल रहे हैं उसी को जर्नी के हिसाब से ही है सक्सेस। अच्छा, बेटर क्या है, सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस? दोनों भी, सर्टिफिकेट को भी उतना ही वैल्यू है, जर्नी को भी उतना ही वैल्यू, बट दोनों में कंपेयर करें, सर्टिफिकेट जीतने के बाद वो घर में रहते हैं, पर जो सक्सेस है वो लाइफ टाइम हिस्ट्री बन जाती है। मदर या फादर? बोथ। किसी एक को चॉइस करना हो तो? नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर क्या है आपके लाइफ का? एक फेलियर मतलब बताऊंगा तो आपको, 2011 में एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं बैंक ऑफ इंडिया में था तो उस वक्त मुझे इंडिया खेलने का मौका आया था, सिलेक्शन ट्रायल में भी सिलेक्ट हुआ था, तब मुझे कुछ रीज़न की वजह से इंडिया खेलने का मौका नहीं दिया गया, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। क्वालिटी लाइफ या क्वांटिटी लाइफ? क्वांटिटी तो सबको चाहिए होती है और क्वालिटी भी चाहिए होती है, तो दोनों भी बहुत ज़रूरी है, तो क्वालिटी भी रखना है लाइफ में और क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट किए उसका मज़ा लेने के लिए तो जीना है करके। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? ऑफकोर्स लव, जो मेरा अभी आपने लव किया तो आप लव बोलेंगे, हम जैसे वो हमारे पास हमको तो अरेंज ही करने का ऑप्शन होता तो हम तो अरेंज बोलेंगे। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है मेंस में? मेंस में फेवरेट प्लेयर तो किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि एक का नाम लूँगा तो किसी को बुरा लगे, तो मैं करके मैं जानबूझ के फेवरेट प्लेयर का नाम नहीं लूँगा कोई। अच्छा, फेवरेट वुमेन प्लेयर लेडीज़ में? उसमें भी ऐसा कोई फेवरेट ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि किसी और को बुरा ना लगे करके मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, अगर एक जेन्युइनली बोलना ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपने अपने गेम पे कभी लड़की को इम्प्रेस किया है क्या कोई? नहीं, ऐसा तो अभी तक का नहीं किया। उसका रीज़न ऐसा है कि कैरम को मैं बहुत सच्चे दिल से मानता हूँ, उसको एक भगवान मानता हूँ मैं, तो अभी तक का वैसा किया नहीं, और अभी तो मैं शादीशुदा हूँ तो कोई फंदेरी है तो घर में तो उनको जवाब भी देना है मुझे, तो ऐसे सवाल नहीं। तो रजत भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा आपको सवाल पूछते और बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप दोस्तों आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और रेड कलर के आइकॉन को दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो, और कमेंट में हमें लिख के बताओ जो भी आपके क्वेश्चन है, जो मुझे पूछना चाहते हो वो कमेंट में लिखो, हम हो सके हम आपके कमेंट आने पर हम उसके बारे में क्वेश्चन को आंसर देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Q&A सेशन हो सकता है, अगर आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो हम एक Q&A सेशन लेके आएंगे। अगर आप प्रशांत भाई को कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके लिखो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्टे ब्लेस, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.